आज विजयादशमी के पावन पर्व पर परंपरागत तरीके से पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दशहरे के दिन हर वर्ष डीआरपी लाइन पहुंचकर अधिकारी विशेष पूजन करते हैं। बुधवार को भी परंपरागत तौर पर जिले के प्रमुख अधिकारी पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह, कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन डीआरपी लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा विधि विधान से की गई। शस्त्र पूजा के बाद वाहनों की पूजा की गई। शस्त्र पूजा के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने विजयादशमी के मौके पर सुख शांति की कामना के साथ ही लोगों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विजयादशमी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। कार्यक्रम में लाइन के शस्त्रागार में रखे गए सारे असलहों को लाकर रखा गया। 303 राइफल, SLR कार्बाइन, इंसास पिस्टल, रिवॉल्वर आदि को आकर्षक ढंग से सजाकर रखा गया। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ पूजन शुरू हुआ, फिर हवन आरती के साथ पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ASP देवेंद्र पाटीदार, नीलेश्वर डावर, होमगार्ड कमांडेंट RP मीना, रक्षित निरीक्षक अरविंद दांगी शामिल हुए। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। आज धार पुलिस लाइन में दशहरे का शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें कलेक्टर साहब और सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे, और आज उसके साथ ही हमारे खेल परिसर के बाहर प्लांटेशन भी किया गया। और मेरी तरफ से और सभी पूरे पुलिस परिवार की तरफ से सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, मेरी समस्त जिले वासियों को, पूरे ज़िला प्रशासन की तरफ से सभी को बहुत बहुत विजयादशमी की शुभकामनाएं। विजयादशमी का पर्व सबके लिए सुख और उल्लास लेके आए, किसी शुभकामनाएं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।